प्रयास में हूँ, हम प्रयास में हूँ मैं। कुवरपुर स्टेशन पर एसटी और एससी के विरोध में यहाँ के क्षेत्रवासियों ने ट्रेन को रोक दिया और यहाँ पर काफी हंगामा हो रहा है। पुलिस बल भी तैनात है लेकिन वो मौके पर कुछ कर नहीं पा रहा है। आप देख सकते हैं सामने पुलिस वाले भी खड़े हुए हैं, लोग रेल की पटरियों पर किस तरह सो गए हैं। राकेश शर्मा, यहाँ पर तमाम हमारे स्वर्ण संगठन एकत्रित हुए हैं और पूरे भारत बंद का जो आह्वान था वो शत प्रतिशत सफल हुआ है। इसमें कोई बड़ा लीडर इसमें नहीं है, फिर भी जन जन की आक्रोश है, हर घर से ये आवाज उठी है और समाज जिंदाबाद। अपने सभी समाजों ने सभी बाजार को बंद करके ये दिखा दिया है कि हम सब एक हैं और हम इस जब तक ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी, जब तक हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी, जब तक हमारा ये एसटी हमारा जिस तरह से मोदी ने जो जुआ खेला है, जो उनका कभी वोट बैंक था ही नहीं, जो उसने सर्व समाज को एक बामे लाके खड़ा कर दिया है, क्या ये लोग इनको वोट नहीं देते थे? इन्होंने जाति की लड़ाई करा के योगी ने मोदी ने 2019 के लिए अपने लिए कांटे बो दिए। 2019 का ताज इतना महंगा नहीं पड़ेगा जैसे 2014 में हुआ था। मोदी जी जितना जल्दी हो, दो दिन में, चार दिन में इस जो एसटी एक्ट पे तुमने जो डिसीजन लिया था उसको चेंज कर दो, वरना हम केंद्र सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। जिस तरह से आपको पता होगा कि जब भी ये समाज रोड पे आया है, अच्छी अच्छी सत्ताएं चेंज कर दी है, यही वोट आपको वोट देता है। जिस लोगों पे तुम विश्वास कर रहे हैं ना, वो तो आपके आजू बाजू भी नहीं भटकेंगे। मोदी जी अब भी आप पे टाइम है, जितनी हो तत्कालीन बैठक करके और जो एसटी एक्ट तुमने ब्राह्मण ठाकुर जो सर्व समाज पे लगाया है उसको जल्दी से जल्दी खत्म कर दे, वरना ये ना हो कि तुम्हारी केंद्र की जो सीट है एक एक ईंट ना खोल लाए और यहाँ से आगे जितने भी सर्व समाज के ठाकुर पंडित जितने भी विधायक सांसद है उनकी हम ईंट बजाने का काम भी करेंगे। बंद का क्या असर दिखाई दे रहा? पूरा भारत बंद है। अब खाली बाकी है तो विधायकों की सीट खींचना, विधायकों की ईंट से ईंट बजाना। कोई भी अगर विधायक वोट मांगने आएगा उसको हम चप्पलों से स्वागत करेंगे, जो हमारे बीच में नहीं आया है।